Subscribe to the channel by pressing the red button and do not forget to press the bell. आज हम क्लास सिक्स का एक्सरसाइज थ्री देखेंगे इसमें दिया है एस्टिमेट इज ऑफ यूजिंग जनरल रूल यानी इसको जो है हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं सन्निकट। यानी कि आकलन भी इसको हम लोग कर सकते हैं कि आकलन करना है इसको जनरल रूल से ठीक तो है आकलन कैसे करते हैं इसको पहले हम जानेंगे जैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे तीन अंक दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है देखिएगा प्लस नाइन नाइन एट अब यहाँ पे आपको जनरल रूल से करना है किस रूल से करना है जनरल रूल से जब करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें संख्याओं की संख्या कितना है तो इसमें वन टू थ्री इसमें वन टू थ्री यानी तीन तीन दिया हुआ है तीन तीन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसमें से दो को हम लोग आकलन करेंगे इसमें से दो को आकलन करेंगे जब दो को आकलन करते हैं तो यह हंड्रेड तक होता है ठीक है तो कितना तक होता है हंड्रेड तक होता है तो हंड्रेड में क्या होता है कि अगर फिफ्टी है या फिफ्टी से अब नाइन्टी नाइन तक है यानी फिफ्टी वन डैश डैस करके नाइन्टी नाइन तक है फिफ्टी वन फिफ्टी ऐसे करके है और इधर जो है फोर्टी नाइन है उनचास है और उसके करके कहाँ तक है आपका वन तक है ठीक है ज़ीरो का तो उसका कोई दिक्कत नहीं है जीरो तो जीरो होगा ही ठीक है यहाँ पे तो ऐसे में क्या होता है जैसे सात सौ तीस है हमको आकलन करना है तो देखना जो तीस जो है इस पचास से बड़ा है कि छोटा है तो पचास से तीस क्या है छोटा है पचास से जब तीस छोटा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पचास से तीस जब छोटा होगा तो जीरो के पास आएगा यानी कि उसका मान कितना हो जाएगा डबल जीरो हो जाएगा क्योंकि दो संख्या कौन सा निकट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डबल जीरो हो जाएगा फिर प्लस है तो प्लस डाल देंगे फिर यहाँ पर देखते हैं कि अंठानवे जो है नाइन्टी पचास से क्या है ज़्यादा है पचास से क्या है ज़्यादा है पचास से ज़्यादा है तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे नाइन डबल सॉरी नाइन लिख दिए नौ सौ तेरा है अगर अंठानवे है तो ये सौ का नज़दीक है यानी कि यहाँ पे सौ के नजदीक है ये कितना हो जाएगा एक सौ तो 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 कितना हो जाएगा एक सौ हो जाएगा तो नौ सौ अंठानवे है और एक सौ इसका मान तो नौ सौ एक सौ कितना हो जाएगा दस सौ यानी कि एक हज़ार तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक हज़ार अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सत्रह सौ सपोज कीजिए यहाँ पर दूसरा संख्या कोई को है यहाँ पे ठीक है ठीक है अब इसको हमको इस करना है तो हम क्या करेंगे इस जेनरल रूल्स हम कर रहे हैं तो इसमें तीन -ती तो तीन अंक -ती है तो हमको तीनों अंको तो करेंगे नहीं क्योंकि तीनों को करते हैं तो हमारा आंसर जीरो भी आ सकता है और इसमें हमको एक अंक छोड़ के करना है ठीक है तो यहाँ पे हम एक अंक छोड़ के करेंगे क्योंकि जेनरल रूल्स है हमेशा इसमें आपको देखना है कि दोनों संख्या बराबर हो तो दोनों को बराबर बराबर हम लेके करेंगे तो यहाँ पे पैंतालीस है तो देखिए पैंतालीस जो पचास है क्या है छोटा है तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा जीरो तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे तीन सौ प्लस है तो प्लस यहाँ पे देखिए पचास है अभी बताया कि पचास हो या पचास से ज़्यादा हो नाइन्टी नाइन तक हो तो उसका तो मान आपका कितना होता है हंड्रेड होता है तो तीन तो यह है और पचास इसका मान कितना हो गया चार हो जाएगा यानी कि तीन सौ और इसका मान कितना हो गया सौ अभी बताएं कि पचास का जो होता है अगर पचास है इक्यावन है बावन है तो कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा क्योंकि दो कर रहे हैं हम ठीक है तो यह हमारा सौ होता है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर सात सौ हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर सात सौ इसी प्रकार हमको इसको बनाना है जेंद्र रूल से बनाना है ठीक है चलिए तो इसको देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं राउंड यानी कि थर्टी थ्री राउंड आर ओ यू एन डी राउंड ऑफ़ ठीक है टू अब थर्टी थर्टी सेवन हंड्रेड थर्टी का राउंड अप कर रहे हैं लेकिन तो बताया है कि जनरल से करना है तो दोनों में दो दो, दो अंक ले लेते हैं क्योंकि दोनों में तीन अंक है तो दो, दो दो अंक लेंगे चार अंक होगा तो तीन तीन अंक लेंगे ठीक है पाँच अंक होगा तो चार चार अंक लेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर हम देख लें तो यहाँ पर कितना हुआ इसका राउंड ऑफ करते हैं तो कितना हो जाएगा सात सौ क्योंकि वह जो है पचास से क्या है छोटा है इसलिए डबल जीरो हो गया अब यहाँ पे इसका हम राउंड ऑफ करते हैं नाइन नाइन एट राउंड ऑफ टू अब देखिए यहाँ पे नाइन नाइन एट यहाँ पे जो दो डिजिट नंबर जो है दो अंकों को दो जो संख्या है अंठानवे जो आ रहा है पचास से ज़्यादा आ रहा है तो पचास से जब ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे एक सौ तो यह हो गया आपका पचास ज़्यादा आ रहा है तो अंठानवे का और यह कितना हो गया नौ सौ तो कितना हो जाएगा आपका एक हज़ार ठीक है अब इसको कह रहा है कि आपको सम करके दिखाना है यानी कि जोड़ कर दिखाना है, दिखाना है. तो हम यहीं पर दोनों को जोड़ सकते हैं तो लिख सकते हैं सम एस यू एम सम लिख देते हैं यहीं पर इक्वल टू का चिन्ह देते हैं इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा जीरो का जीरो जीरो का जीरो यहाँ पे सेवन है तो सेवन वन है तो वन यानी सत्रह सौ आपका आंसर यहाँ पे आएगा सेम वही प्रोसेस इस बी नंबर सवाल में भी है देखिए बी नंबर सवाल को हम थोड़ा सा बी नंबर सवाल में दिया हुआ है वैसे ही तो इसे यहाँ पे लिख देंगे सेवन नाइन सिक्स राउंड ऑफ टू इसका हम करते हैं तो कितना होगा देखिए दो अंक है छियानवे के पास है तो एक सौ हो गया सात सौ कितना जाएगा आठ सौ ठीक है फिर यहाँ पे आपका है थ्री वन फोर राउंड ऑफ ऑफ राउंड आपका तीन सौ क्या करना था देखिए माइनस करना था डिफरेंट निकालना इसका सब करना है, का है तो इसको हम क्या करें माइनस करते हैं तो आंसर होगा कितना होगा पाँच सौ आंसर हो गया सेम अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन सी का क्वेश्चन सी में दिया हुआ आठ हजार तीन सौ पच्चीस यहाँ पे चार सौ इक्यानवे अब आप सोच रहे हैं उसमें तो बराबर अंक है तो हम उसमें बराबर अंक कर दिए मगर इसमें एक ज़्यादा है एक कम है तो इसमें कुछ करना नहीं है हमको देखना है कि इसको पूरा तो हम ले नहीं सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं दो अंक तो इसमें हम कितना अंक ले लेंगे दो अंक ही लेंगे चलिए इसका राउंड ऑफ हम करते हैं तो एट थ्री टू फाइव राउंड ऑफ टू ठीक है इसका हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो पच्चीस है तो अभी जो पच्चीस मैंने बताया कि पचास से और दो अंक को करते हैं तो पचास से ज़्यादा होगा तो जीरो होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा तिरासी तो सौ यानी कि एट्टी थ्री थी हंड्रेड ठीक है अब इसको हम करते हैं तो फोर नाइन वन राउंड ऑफ टू इसको कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे इक्यानवे है मैंने बताया ना कि पचास से जब ज़्यादा होगा तो इसको हम क्या करेंगे हंड्रेड करेंगे तो हंड्रेड और चार सौ कितना हो जाएगा पाँच सौ यहाँ पर माइनस करना था तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे ठीक है जीरो जीरो तेरह में से पाँच किया तो कितना बचेगा आठ पाँच तेरह होता है आठ कैरी दिया है सेव हमारा यही आंसर होगा अब यहाँ पर इसके नीचे वाला सॉल्व आपको कर सकते हैं मगर फिर भी इसको हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पर देखिए इतना का हमको पहले राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ हम कर रहे हैं तो देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए पांच अंक इसमें भी है पांच अंक इसमें भी है तो इसमें तीन तीन अंक हम क्या कर देंगे राउंड ऑफ कर देंगे ठीक है तीन तीन अंक राउंड ऑफ करते हैं तो इसमें मतलब क्या है कि अगर पांच सौ से देखना है हमको कि पाँच सौ से अगर ज़्यादा है ठीक है तो आपका एक हज़ार होगा या पाँच सौ होगा तो एक हज़ार होगा जैसे यहाँ पे चार सौ से कम है तो तीनों जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी पाँच सौ यहाँ पर पाँच सौ से कम है तो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या है पाँच सौ से कम है तो ज़ीरो हो जाएगा इसमें है तो अभी हमने बताया तो कि यहाँ पर जो तीन अंक अगर होता है वह पाँच सौ से कम है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ज़ीरो में बदल देते हैं और पाँच सौ है या पाँच सौ से ज़्यादा है तो एक हज़ार में बदल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर जब राउंड ऑफ इसका कर रहे हैं तो अट्ठाईस हज़ार हो जाएगा क्योंकि पाँच सौ से कम है और यहाँ पर देखिए ये पाँच सौ से कम है तब तो कितना हो जाएगा इक्कीस हज़ार हो जाएगा क्या करना था माइनस करना था आप यहीं पर घटा दीजिए जीरो 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 सेवन ये सात हज़ार या तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा या सात हज़ार आपका